चलिए भाई, सोम के सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी बीम हो, सिंपली सपोर्टेड हो, उस पर यूडीएल लगा हो और पॉइंट लोड लगा हो, तो उसका मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। और उससे भी जरूरी बात, हमने उनके कंक्लूजन्स पर ध्यान दिया था कि अगर यूडीएल लगा हो तो जो डायग्राम बना था शियर फोर्स का, वो लिनियर और मोमेंट का पैराबोलिक बना था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर है, आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अभी एसएफडी बीएमडी जिस लेक्चर से शुरू हुआ है, उस लेक्चर को आपको जरूर देखिए। कम से कम अगर सोम पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी शुरू से पढ़ रहे हैं तो एसएफडी बीएमडी जहां से शुरू हुआ है, वो टॉपिक आप जरूर पढ़िए। लेक्चर्स में 3 लेक्चर पीछे जाइए, जो इसके पीछे तीसरा लेक्चर होगा या 15 या 16 नंबर लेक्चर से, वहां पर साफ शब्दों में लिखा है एसएफडी बीएमडी, सबसे आसान भाषा में उस पर थंबनेल लगा हुआ है, उसको जाके आप पढ़िए। वहां से स्टार्ट करके एसएफडी बीएमडी देखिए। अभी जो कंक्लूजन्स निकले हैं उन्हीं के आधार पे हम आगे चल रहे थे, अब कुछ और कंक्लूजन्स निकालेंगे। देखिए, ये लंबा चैप्टर है, टाइम टेकिंग है। जो लोग बहुत जल्दीबाजी में भागना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगा अवॉइड करें वो वीडियोस को, ठीक है? सीखना चाहते हैं देखिए, और अगर आप एकदम से, आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तो ये मैथ छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं करना है हमको यहाँ पे, ठीक है? सिखाना है। सोम अपने आप में बृहद है और एसएफडी बीएमडी देखिए कठिन नहीं है, लंबा है। एक चीज होता है किसी चीज का कठिन होना, एक चीज होता है लंबा होना। तो एसएफडी बीएमडी एक लंबा टॉपिक है, ठीक है? जैसे हमने पिछले स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, एसएफडी बीएमडी पढ़ाया, अगर ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो आधी किताब आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर आधे में बहुत छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे, उनको हम लोग जल्दीबाजी में क्लियर कर लिया जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा प्रॉब्लम एसएफडी बीएमडी की खत्म होने की, ये अपने आप में टाइम टेकिंग है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और हमने यहाँ लिखा हैविंग हैविंग यूवीएल। हालांकि ये बहुत रेयर है इसका क्वेश्चन आना, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि यूवीएल क्या होता है। यूवीएल के बारे में मैंने पहले ही बताया था ना कि एक समान बदलते हुए भार को कहते हैं, और इस भारों के बारे में डिस्कशन पहले ही हो चुका है। अगर किसी बीम के बारे में ऐसा जिक्र है, क्योंकि अगर कोई बीम ऐसे है उस पर जो भार है वो कुछ इस टाइप से है, सपोज करिए ये आपकी बीम है, ठीक है? और बीम जो है वो दोनों सिरों पर सिंपली सपोर्टेड है, और सिंपली सपोर्टेड में सपोज करिए यहाँ पर ऐसे लोडिंग काफी ज्यादा है, और लोडिंग जो घटते घटते यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो हो गई है इस सिरे पर, और यहाँ पर लोडिंग हर, यहाँ पर लोडिंग जीरो है, और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर की लोडिंग हुई है। ध्यान देने वाली बात है, इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनेगा। लोडिंग ऐसी कहाँ होती है कहेंगे कोई, तो देखिए कहीं पे भी अगर ट्रायंगुलर शेप में चिनाई हो रही हो, चिनाई या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जो यहाँ पे कम लोड हो, तो क्या इसके प्रति मीटर लंबाई पे एक समान भार है? हमेशा बताइए, इसके प्रति मीटर लंबाई पे एक समान भार है? नहीं, इसके इस 1 मीटर पे, इधर के 1 मीटर पे देखिए कम लोड है, लेकिन अगर इधर के 1 मीटर पर ध्यान देंगे तो लोड काफी ज्यादा है। तो यानी ये लोडिंग जो है वो इस टाइप से जो चेंज हुई है, इसको कहते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है? इसको अगर समझ लिए तो कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे, बचेगा न्यूमेरिकल, वो मैं हर वीडियो में एक एक दो दो न्यूमेरिकल लगवा करके आपको समझा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अंत लेक्चर का होगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक हो रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ाया कि क्या है कैसे है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो रही है, न्यूमेरिकल नहीं लगवाया है मैंने, अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हुए हैं एसएफटी बीएमडी में। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा वीडियो को 2 बार देखने का प्रयास करिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखने का प्रयास करिए। चलिए, अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है, ठीक है? यहाँ पर हमने बोला कि ये बीम है, पुराना कहानी। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर से वही बात कि इस जोन में केवल रखना है रिजर्व, एसएफडी और बीएमडी खींचने के लिए कैलकुलेशंस इस जोन में करनी है हमको हमेशा। कॉपी पर भी इसी तरह बीम बनाइएगा, उसके ठीक नीचे जगह छोड़नी है उसका एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए। और यहाँ पे अब देखिएगा, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट रिएक्शंस, रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं हमें। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन। और रिएक्शन सपोज करिए पॉइंट ए है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है, और रिएक्शन से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। हमेशा देखिएगा इधर से ही लेके चलते आ रहे हैं, इसलिए अगर ये बदलता हुआ भार कभी भी, देखिएगा मैं इसमें क्या क्या नया सीखने को मिलने वाला है। ये आर ए हो गया है, आरबी, ये आर ए आरबी क्या है, आप अब तक आप समझ गए होंगे,
रिएक्शन एट ए आर ए, रिएक्शन एट बी आर बी, ये दो वर्टिकल फोर्स हैं जो बीम पे लगे हुए हैं और हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये कितना होगा ये कितना होगा। हाँ ये मालूम है कि यहाँ पर भार डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है और वो घटते घटते क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, हमेशा जब भी अगर आप इधर से चाहें तो इधर से भी ले सकते, लेकिन इसमें बुरा क्या है, एक चीज जान लीजिएगा, किसी बीम पर जो ऐसा भार लगा होता है ना तो टोटल लोड की जो वैल्यू होती है, टोटल लोड इस केस में जो होता है ना वो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माना जाता है, इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को ही कुल भार के रूप में कार्य करता हुआ लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, ये इसके पीछे पुराने रीजन है और वो उस पर डिस्कशन करेंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन फिलहाल बस झटके में समझना है कि इस ट्रायंगल का पूरा एरिया ही इस पर काम करता हुआ भार माना जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया में कितना ट्रायंगल का एरिया होगा, तो ये होगा हाफ इंटू बेस, यहाँ पे इसकी लंबाई बीम की क्या है L है, तो बेस को क्या मान ले L इंटू हाइट का मतलब क्या है W, यानी टोटल लोड जो आपका हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा टोटल लोड वो हो जाएगा W इंटू L बाई टू, ये कुल भार हुआ, किसी प्रति मीटर लंबाई पे नहीं, कुल भार है डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, तो जाहिर से बात है डब्ल्यू एल बाई टू में से कुछ पार्ट इधर आएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा, देखते हैं कितना कितना। अगर हम लोग यहां पर लगाते हैं तो इसका मतलब हमने लगाया सबसे पहले सिग्मा एफ वाई बराबर हमने किया जीरो, यानी हम लोग यहां पर पहला नियम लगाते हैं तो आर ए प्लस आर बी, क्योंकि दोनों ऊपर लग रहे हैं, और साथ में हमने लिखा माइनस में ऊपर से लगने वाला पूरा भार डब्ल्यू एल बाई टू बराबर क्या होगा जीरो, मतलब ये आर ए आर बी और माइनस सब मिला के, क्योंकि बीम इसके और इसके प्रभाव में स्टेबल है, यानी वी कैन क्लियरली से दैट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ये हमने देख लिया। इसको भी हम लोग इक्वेशन से क्यों सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि अगर यूबीएल लगा हो पॉइंट लोड के केस में कैसा बना देखा, यूडीएल के केस में कैसा बना देखा, यूबीएल के केस में कैसा बनेगा, ये भी हम लोग अभी लगे हाथ इसको देख लें। बात समझ में आ रही है, हाँ देखते हैं यहाँ पे कि आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या है, वो कहता है कि सिग्मा एम बराबर जीरो, यानी किसी एक पॉइंट पर, चलिए ए पर ले लेते हैं सारे मोमेंट को, ए पर हमने आर बी का मोमेंट लिया विच इज एंटी क्लॉक वाइज, तो हमने लिखा आर बी इंटू एल, ये बराबर हो जाएगा दूसरा इसका। अच्छा ये बताइए भार ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर है तो इस ट्रायंगल का ये पूरा भार अपने आधे पे काम करता हुआ नहीं माना जाएगा, बल्कि अपने आधार से, देखिए ये आधार है इस दिशा में जा रहे हैं तो वन थर्ड पे काम करता हुआ माना जाएगा, इधर नीचे की तरफ वन थर्ड पे, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक बताइए, एल बाई थ्री नहीं होगी, पूरा एल है तो एल बटे तीन पर काम करता हुआ माना जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पूरा भार है डब्ल्यू इंटू एल बाई टू और इट विल वर्क एट एल बाई थ्री फ्रॉम ए, ए पर मोमेंट लेंगे तो आपको डब्ल्यू एल एल बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप बी पर मोमेंट लिए होते तो फिर आर ए का मोमेंट ऐसे लेते और इसका मोमेंट जो लेते वो इधर की तरफ टू एल बाई थ्री दूरी पर होता, इस चीज का ध्यान रहे, क्योंकि ये अब आधे पर काम नहीं करेगा, ये जिस टाइप से वेट लगा ये अपने यहां से एल बाई थ्री दूरी पर। ठीक है, यहां से आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आरबी तो देखिए उधर क्या आ रहा है, यहां देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स है, यहां से नीचे एक और एल जाएगा यानी आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ये आरबी की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, इसलिए आर ए कितना होगा, आर ए बराबर आरबी का पता है तो डब्ल्यू एल बाई टू और माइनस क्या हो जाएगा आरबी, आरबी है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, देखिए बहुत आराम से समझिए सब समझ में आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू में से डब्ल्यू एल बाई सिक्स निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको भी कर लिए तो टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यानी यहां पे आप करेंगे देखिए टू से कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई थ्री आपका यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही, आर ए का वैल्यू, आर ए का वैल्यू कितना आया, देखिए ये डिस्टेंस एल बाई थ्री है, ये एल बाई थ्री है, जो आर ए की वैल्यू आई यहां पे आर ए वो कितना आया, आया डब्ल्यू एल बाई थ्री, और ये जो आर बी आया वो डब्ल्यू एल बाई सिक्स, जाहिर सी बात है ये ज्यादा है और ये कम है, आना भी चाहिए था, देखिए इधर ज्यादा भार है इधर कम भार है, तो रिएक्शंस की वैल्यू देखिए ये डब्ल्यू एल बाई थ्री आ गई और ये डब्ल्यू एल बाई सिक्स आ गया, कौन आर बी का वैल्यू, ये आर बी है ये आर ए है,
ये आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों बातें कि कहां से आरे आया कहां से आरबी। देखिए वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग को पुराना काम अपना सीयर फोर्स एट ए सेक्शन इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। लेट अस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करें। अब हमने सीधे यहां पर लिखा सीयर फोर्स, प्रॉब्लम आएगी एक, क्या प्रॉब्लम आएगी चलिए देखते हैं। सीयर फोर्स देखिए, इसके लिए भी एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन किसी एक्स दूरी पर इक्वेशन बनाएंगे, यहां से एक्स दूरी पर इधर की तरफ, कि एक्स दूरी पर अगर कोई काट होगी यहां से, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, बहुत जूम करके आराम से समझिएगा। कैसे समझना है तो चलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम कर देता हूं, थोड़ा सा कर पाऊंगा ज्यादा नहीं, आपको यहां से हल्का सा चीज समझ में आ जाएगा। यहां से देखिएगा, यहां से एक्स दूरी पर एक सेक्शन लिया हमने, और ये इसके एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम के लिए एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर ये सेक्शन यहां से यहां तक कहीं भी वैरी कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो शियर फोर्स कितना होता है, तो शियर फोर्स एफ जो होता है उसके लिए हम लोग लेते हैं एफ एक्स के फॉर्म में। एक्स दूरी पर शियर फोर्स कितना होगा अगर ये जानना है, तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो एक तो आरबी लग रहा है ऊपर, तो चलिए हमने लिख दिया आरबी, और फिर माइनस में ये पूरा एरिया देखिए, अभी तक ऊपर से लगने वाला पूरा बल पूरा एरिया था, लेकिन इसके इधर तो इतना ही लगा है ना। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इस सेक्शन के इधर के लिए एक्स दूरी पर अगर हम आए तो ऊपर आरबी और नीचे ये पूरा एरिया बल काम करेगा, और वो काम कहाँ करेगा वो अभी नहीं जानना है। बस देखिए शियर फोर्स में ना फोर्स की लोकेशन नहीं चाहिए होती है, मोमेंट में चाहिए होती है। मोमेंट में तो वो दूरी भी चाहिए होती है जिस पर वो काम करता है। तो यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां से एक्स दूरी पर आएंगे तो कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने यहां पर लिखा हाफ और बेस है कितनी दूरी पर गए हैं, एक्स दूरी पर, आई इंटू हाइट। सर हाइट तो सर यहां नहीं पता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये हाइट तो डब्ल्यू थी, तो आराम से हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू कर दिए थे तो आ गया था पूरा लोड, लेकिन केवल इतने का लोड चाहिए। तो बताइए यहाँ पे ध्यान से, इसका ये कितना होगा, ये वाली लंबाई, और हम इसको मान लेते हैं कि ये डब्ल्यू डैश होगा, ठीक है ना, हमने इसको डब्ल्यू डैश माना। तो एक चीज यहां शॉर्ट में कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा, यहां पर ध्यान समझिएगा, मैं इसको कहां पे समझा दूं, अच्छा यहीं पे अगर आप लोग को ध्यान से समझिए अगर क्लियरली, यहां पे देखिएगा, ये देखिए एक एक ट्रायंगल समझिएगा, यहां पे एक ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा वाला बन रहा है ऐसे, और एक छोटा वाला ट्रायंगल है, दोनों समरूप है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है कि डब्ल्यू डैश बटा अगर एक्स करें तो वो डब्ल्यू बाई एल होगा, मतलब इन सिमिलर ट्रायंगल। अगर सेक्शन को हम यहां पर मान लें ये सेक्शन ए और बी है, तो हमने इसी के लिए इक्वेशन बनाया है, शियर फोर्स के लिए इक्वेशन बनाया है। हमने सेक्शन लिया है कौन सा, हमने यहां पर लिखा कि सेक्शन, सेक्शन हमने कौन सा कंसिडर किया है, ए टू बी, और ये ए बी सेक्शन जो होता है, ए बी सेक्शन वो एक आइडियल है जो कहीं भी, क्योंकि इसके इधर हमेशा एक आरबी और ऊपर से यूबीएल काम करता रहेगा। कल वाले क्वेश्चन में पॉइंट लोड था तो इसलिए क्लियर नहीं थी चीजें। अब यहां पर हम लोग इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से सोचें तो डब्ल्यू डैश बाई एक्स बराबर होगा किसके, कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू और बाई एल के, ये बराबर होगा कि नहीं सिमिलर ट्रायंगल से बताइए, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो बराबर यहां से निकल दें अगर कि डब्ल्यू डैश क्या होगा, डब्ल्यू डैश क्या होगा वो देखिए क्या होगा, डब्ल्यू डैश को एक्स बाई एल, क्लियरली देखिए एक्स बाई एल, और यहां पे क्या हो जाएगा इन टू में स्मॉल डब्ल्यू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डब्ल्यू डैश का वैल्यू होगा, ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू होगी, यानी यहां पर केवल ये अभी हाफ इंटू बेस कितना है एक्स, और हाइट डब्ल्यू डैश हम यहां पे लिख दे रहे हैं डब्ल्यू डैश, यानी एफ एक्स बराबर जो होगा वो होगा, आरबी का वैल्यू पुट कर देते हैं कितना है, आरबी है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यानी हमने यहां पे लिखा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और माइनस में हाफ हाफ इंटू हमने लिखा एक्स, और डब्ल्यू डैश की वैल्यू भी हमने रख दी क्या एक्स बाई एल आई इंटू डब्ल्यू। सॉल्व करते हैं थोड़ा छोटा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस देखिए आप डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, यही तो आया किसका शियर फोर्स का इक्वेशन, क्लियर रखिएगा। हियर शियर फोर्स इज रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर, मतलब शियर फोर्स खुद भी कैसा है,
पैराबोलिक इक्वेशन बना रहा है। अभी तक देखिए शियर फोर्स ना पॉइंट लोड पर कांस्टेंट था, और यूडीएल पर शियर फोर्स जो था वो कितना हो गया था, यूडीएल पे शियर फोर्स पैराबोलिक हो गया था। लेकिन इस केस में जो शियर फोर्स है वो देख रहे हैं कैसा बना रहा है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये कैसा बना रहा है पैराबोलिक, और सॉरी उस केस में आपका कॉन्स्टेंट और फिर लिनियर हो गया था, लेकिन अब पैराबोलिक बना रहा है। अब एफ एक्स के इक्वेशन में एक्स यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां तक चला आएगा तब भी एक आरबी और एक ये काम करेंगे ऊपर, कोई नया बल नहीं है। इस वजह से अगर हम लिखें इफ इफ एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो जहां होगा वहां एफ एक्स का वैल्यू, यानी एक्स बराबर जीरो ये किस पॉइंट पे है, एट बी, बी पर एक्स क्या है जीरो है, तो एफ बी बराबर यहां जब जीरो रखेंगे तो केवल यही बचेगा क्या, डब्ल्यू एल बाई सिक्स, क्लियर है, ये एफ बी बी पर होगा। और एफ सी क्या होगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू एल, तब के केस में क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस, यहां डब्ल्यू एक्स की जगह पर हमने एल रखा, यानी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू एल, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे एफ सी को तो यह आ जाएगा, देखिए टू से टू एल है, एल से एक एल कैंसिल, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, जब सॉल्व करेंगे तो यही डब्ल्यू एल बाई टू में से उल्टा होगा, यानी माइनस में आएगा डब्ल्यू एल बाई थ्री, इसको सॉल्व कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा, एलसीएम लेकर के काट के देखिएगा, डब्ल्यू एल बाई थ्री आएगा, ये एल से एल पहले ही कैंसिल कर दीजिए, यानी एफ सी की वैल्यू माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री आई, यानी शियर फोर्स बी पर जो है, बी पर अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं ऐसे, इसको ऐसे करके शियर फोर्स का डायग्राम मैं अगर बनाऊं तो डायग्राम कैसा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ यहां पर जो है वो कितना है, तो कहेंगे यहां पर कि डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, और इस जगह पर जो शियर फोर्स है वो कितना है, वो डब्ल्यू एल बाई थ्री है, दिख रहा है कि नहीं, दोनों जगह पे शियर फोर्स की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, वो डब्ल्यू एल बाई थ्री है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, और ये बदलाव जो हुआ है वो लिनियर नहीं है, बल्कि देखिए इक्वेशन बनाए हैं जब यहाँ पे कहाँ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन जो आपका बना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन कैसा है, पैराबोलिक है, मतलब एफ एक्स इज रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर, पीछे अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, तो जब इसको ध्यान से देखिएगा ये जब चेंज करेगा अपना से इसका डायग्राम तो कैसा चेंज करेगा, तो ये चेंज कुछ इस टाइप से करेगा, पैराबोलिकली पैराबोलिक चेंज करेगा शियर फोर्स, यहां पर आपका प्लस होगा और यहां पर क्या होगा माइनस। कहेंगे सर सेप ऐसा ही क्यों बना है, देखिए एक्स की अलग अलग वैल्यू रखिए और हर जगह पर निकाल करके जब मिलाएंगे ना तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा, वो करना नहीं है आपको, समझ लेना है कि ऐसा काम करेगा। शियर फोर्स आपने देखा बिल्कुल कैसा काम कर रहा, पैराबोलिक बना और वैल्यूज कुछ इस टाइप से आई। क्या इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट के लिए भी ऐसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, कैसे, वैल्यूज कुछ इस टाइप से होंगी, जो भी होंगी वो आएंगी इसी के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन देख लेते हैं क्लियरली, ये सब मिटा दें, एक चीज जान लीजिएगा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मैं इसकी मदद से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिएक्शन वाला भाग मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें अभी फोर्स की जरूरत पड़ेगी मोमेंट बनाते समय, तो देखिएगा अभी कैसे ये काम करता है, ठीक है, क्लियरली देखते हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से, मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। मोमेंट में अभी एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा इसमें, जैसे कि जब उसमें किए थे हम लोग, कल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यूडीएल वाले में देखा था हमने इक्वेशन बनाते समय, अब यहां पर लिखते हैं क्या निकालते हैं, दूसरी चीज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए उसके लिए एम एक्स इज इक्वल टू एक्स दूरी पर ही बेंडिंग मोमेंट, यानी पूरा ये फोर्स तो होगा और इसकी दूरी भी, देखिए आप जितनी भी दूरी पर चले जाएं उसका, ये अगर मैं ये शेडेड एरिया देखूं तो इसका केंद्र जो होगा वो यहां होगा, अगर मैं इसका दूरी पूछूं तो अगर आप यहां से एक्स दूरी पे हैं तो ये केंद्र की दूरी जो ये होगी, दिस दिस विल बी एक्स बाई थ्री, ये जो होगा वो एक्स बाई थ्री होगा, समझाने के लिए इतना डायग्राम खराब कर रहा हूं, आपको खराब करने की जरूरत नहीं है, ये इस सेक्शन पर अगर आप हैं तो आरबी का मोमेंट लेना बहुत ईजी है, कैसे, एमएक्स का वैल्यू क्या होगा,
आरबी और इंटू एक्स हो जाएगा माइनस में, क्यों आरबी का सैगिंग मोमेंट है और ये आरबी नहीं रहता तो ये तो बीम को नीचे झुका देता ये वाला लोड, और झुकाता कैसे तो ऊपर का ये पूरा लोड कितना है, ये पूरा लोड निकाले हैं हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू डैश, ये पूरा लोड ही तो है कितना बताइए, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 12 जो है ये लोड है इंटू इट विल एक्ट हियर एट एक्स बाई थ्री फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन से एक्स बाई थ्री पर एक्ट करेगा, चलिए एक्स बाई थ्री हमने गुणा भी कर दिया, पूरे लोड का मोमेंट ले लिया ए बी सेक्शन के बाद, और मोमेंट का नया इक्वेशन हमने बना लिया, क्या होगा ये एम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एम एक्स इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू रखते हैं डब्ल्यू, यहां पर देखिए एल बाई सिक्स आई इंटू क्या कर दिया हमने एक्स, और माइनस में हमने लिखा डब्ल्यू एक्स का क्यूब बाई सिक्स एल, यही तो हो गया मोमेंट का इक्वेशन, और मोमेंट का इक्वेशन गजब का कैसा, एक्स का क्यूब मतलब मोमेंट का इक्वेशन क्यूबिकल पैराबोला है, पैराबोला नहीं बल्कि क्यूबिकल पैराबोला का इक्वेशन ये बना रहा है, तो जैसे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मोमेंट का वो क्यूबिकली क्यूबिकल, बनाने में आपको नहीं समझ में आएगा पैराबोला है कि क्यूबिकल पैराबोला है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे कि ये कैसा है, बात समझ में आ रही है, लेट अस सी कि एक्स की क्या क्या वैल्यू, यहां पर एक्स जीरो होगा और यहाँ पे एक्स क्या होगा एल के बराबर होगा, इफ एक्स बराबर जीरो एट बी, बी पर एक्स जीरो होगा तो मोमेंट एम बी भी क्या होगा जीरो, कैसे, अरे एक्स यहां जीरो रखी यहां कहानी खत्म जीरो हो गया, दूसरा केस हमने लिया यहां पे इफ इफ एक्स बराबर एल एट ए, ए पर लिया तो एम ए क्या होगा रख के देखिए ये भी क्या आ रहा है, ये भी जीरो ही आएगा रख के देखिए, डब्ल्यू एल एक्स बाई सिक्स डब्ल्यू एल एक्स बराबर वी एल एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल का क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स एल, एक एल से जब ये एल कैंसिल होगा तो ऊपर एल स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, यानी एम ए पर भी क्या होगा जीरो, यानी ये तो क्लियर था कि सिंपली सपोर्टेड पर बार बार पिछले कई क्वेश्चन में देख चुके कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सिरों पर मोमेंट क्या आ रहा है जीरो, यानी ए भी ए पर भी जीरो है और बी पर भी क्या है जीरो है, मोमेंट दोनों पर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो फिर कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा, और फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट द क्राइटेरिया विल बी सेम, क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए कि वहां पर मोमेंट की ढाल क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी मोमेंट की ढाल कहां पे हो जाएगी जीरो, जहां पे मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो मोमेंट के इक्वेशन को हम लोग डीडीएक्स करें, इसका डिफरेंशिएट करें इसको, देखिए क्या होता है, चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको हमने कि कहां पर ये जीरो होगा, अगर इसको आपने क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक एकदम समझ लिया तो समझिए कि आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट से, देखिए अब हमने यहां पे लिखा फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पहले तो ये ढूंढे कि कहां मैक्सिमम होगा, अगर पता रहता कि कहां मैक्सिमम होगा तो एक्स की वो वैल्यू रख देते इक्वेशन में, पता चल जाता कितना होगा, कहां मैक्सिमम होगा वो जान लें फिर पता कर लेते हैं कि वहां पे कितना होगा, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जहां कोई चीज मैक्सिमम होती है वहां उसकी ढाल जीरो और फिर नेगेटिव होने लगता है, वो बात समझ में आ रही है, ढाल घटने लगती है विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है, वह जहां भी ये होगा ना वहां पे पक्का है कि इसका डीएम बाई डीएक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो चलिए लेट अस इंटीग्रेट दिस डिफरेंशिएट दिस, यानी डी बाई डीएक्स हमने लिया और इसमें से देखिए ये पूरा ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है ये कितना है तो लिखेंगे डब्ल्यू एल एक्स बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स का क्यूब बाई सिक्स एल, और बराबर हमने क्या कर दिया जीरो, अगर हम इसमें से डब्ल्यू बाई सिक्स और डब्ल्यू बाई सिक्स निकाल लें तो उधर भेजें जीरो, यानी बचेगा एल एक्स, डब्ल्यू बाई सिक्स निकाले हैं आप तो यहाँ एल एक्स बचेगा, एल एक्स का हो जाएगा देखिए एल एक्स के फॉर्म में करेंगे तो केवल क्या बचेगा एल, और माइनस उधर क्या बचेगा डब्ल्यू बाई सिक्स, मैं लिख देता हूं एक बार इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी डी एक्स, और यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू बाई रुकिए डब्ल्यू बाई सिक्स, और ये बचेगा क्या अंदर एल एक्स माइनस, और आपका क्या बच जाएगा
एक्स का क्यूब और वाई क्या बच जाएगा, एल, यही चीज तो बच जाएगा। देखिए डब्ल्यू बाई सिक्स निकाले एल एक्स और डब्ल्यू बाई सिक्स निकलेगा तो एक्स क्यूब बाई एल बराबर क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। यहां ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू बाई सिक्स हटा सकते हैं उधर, यानी एल एक्स को जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के फॉर्म में, तो एल माइनस एक्स का क्यूब का हिसाब जरा समझ लीजिए, इसका ये वाला हिसाब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात सुन रही ना, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, यानी हो जाएगा यहाँ पे ये जीरो। अब आपका यहां से निकालिए जरा वैल्यू, जरा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उधर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेजिएगा तो एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, यानी एक्स बराबर जो लेंगे तो एल बाई रूट थ्री आ जाएगा। बात समझ में, एल बाई रूट थ्री का मतलब समझ रहे हैं, एल बाई रूट थ्री का मतलब यहां से रूट थ्री की दूरी पर, एल बाई रूट थ्री की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, यानी इसका मतलब यहां पे सीधा सीधा हमने निकाला कि एम मैक्स कितना होगा, कुछ मत करिए, एक्स बराबर क्या है, एल बाई रूट थ्री रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये वैल्यू, पूरे इक्वेशन में एक्स बराबर एल बाई रूट थ्री रखिए, डब्ल्यू एल रखा, डब्ल्यू इंटू एल और बाई यहां पे सिक्स है, एक्स का वैल्यू रख रहे हैं एल बाई रूट थ्री, ठीक है, माइनस कर दिया हमने डब्ल्यू एल, यहां पे एक्स की जगह पर क्या रखें, एल बाई रूट थ्री, यानी रखेंगे यहां पे, दिख रहा है सबको, यहां पर रखेंगे थोड़ा सा वहां देखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स का क्यूब मतलब हमने लिखा एल का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, एल का क्यूब आए बाई रूट थ्री का भी तो क्यूब होगा तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा, और नीचे क्या है, सिक्स एल है। बात सुन रही है, सिक्स एल है और ये एल का क्यूब बाई थ्री रूट थ्री कहां से आया, आई होप चीजें दिख रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा जरा यहाँ पे एम एक्स का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, एम मैक्स का वैल्यू तो वो कितना हो जाएगा, यहां ध्यान देखिएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, देखिएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री माइनस, वहां भी एल का क्यूब से ये एल कैंसिल, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई यहां पे देखिए 18√3 है, 18√3 है। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए क्या आएगा, एम मैक्स का वैल्यू दिख रहा होगा सबको, एम मैक्स अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए अब पिक्चर को जूम आउट कर दिया हमने, सबको दिखने लगेगा, ठीक है, सारा चीज अब दिख रहा होगा क्लियर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां तक आपने देख लिया कि ये आया हुआ है, कैसे रख दीजिए ना एक्स बराबर एल बाई रूट थ्री रख दीजिए। अब यहां पर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहां पर मैं कर दे रहा हूं इस चीज को, यहां पे एम मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए जब सॉल्व करेंगे 18√3 है, इसको भी 18 बना लीजिए या जैसे भी आपको करना हो, अगर आप एलसीएम लेके करें चाहे जैसे भी करें, तो ये 18 होगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बराबर करो 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 18, सॉल्व करेंगे 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 18√3, 18√3 यानी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3। ये किसकी वैल्यू आई है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है, यानी इस पॉइंट पर कहीं पर एल बाई रूट थ्री की दूरी पर। और असल में देखिएगा मजेदार बात, आपको एक चीज और जान के इसमें समझ में आएगी, दिखाएंगे वो बाद में, अभी थोड़ा सा ज्यादा मैं उस पर बोल नहीं रहा हूं, ये थोड़ा इससे हट के एल बाई रूट थ्री की दूरी होगी, ये क्यूबिकली ऐसे देखिए यहां पे ऐसे बेंडिंग मोमेंट यहां पे जीरो होगा, और जीरो से कंटिन्यू बढ़ते हुए सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर होगा और फिर घटते हुए यहां से ऐसे आएगा, इस जगह पे जहां सबसे ज्यादा होगा वैल्यू होगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3। ये किसका होगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट की वजह से ये पूरा वैल्यू इसका काम करेगा। बात समझ में आ रही ना, ये आपकी कहानी जो बता रहा है बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये कितना है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्यूबिकल पैराबोला का शेप बनाते हुए, कहेंगे सेफ तो सेफ एग्जाम बनाने मत बैठ जाइएगा, लिख दीजिएगा इसको ऐसे, ये क्या है, ये एक क्यूबिकल पैराबोला है, क्यूबिकल पैराबोला है, और ये सेफ कैसा है, पैराबोला है, ठीक है, कैसे है वह, तो मान लीजिए बस, अभी एक अब मैथ पढ़ाने का समय नहीं है मेरे पास कि
ये पैराबोला का शेप है, क्यूबिकल पर वैल्यू दिखाना जरूरी है कि यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी है, इस जगह पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, ये सब आपने कैसे फाइंड किया ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली शुरू से। अगर वीडियो देख रहे होंगे दोस्त ना, तो आपको SFD VMD में जो कॉन्सेप्ट अब तक मिला होगा वो शायद आप तक जो पढ़ा हुआ देख रहा होगा उसका भी नहीं क्लियर हुआ होगा। कई लोग पढ़े हुए जो देख रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट है। JEE में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऐसा UDL लोडिंग लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा या कितनी दूरी पर मैक्सिमम होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो ये पूरा इसका तरीका था UDL को सॉल्व करने का, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे शॉर्ट तरीके से, कि पहले से इससे कंक्लूजन निकाले रहे। कंक्लूजन क्या मिला, हर बार मैं कंक्लूजन बता रहा हूं कि लोडिंग के इफेक्ट में कंक्लूजन क्या निकले। पहला कंक्लूजन कि जब यूवीएल होगा इन केस ऑफ यूवीएल सियर फोर्स विल बी पैराबोलिक। सियर फोर्स कैसा होगा, पैराबोलिक, एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी क्यूबिकल पैराबोलिक, क्यूबिकल पैराबोलिक। ये चीज दोनों अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से कि सियर फोर्स विल बी पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी क्यूबिकल पैराबोलिक, तो अब जब आएगा ना तो सीधे पॉइंट पर, यहां निकालेगा, बीच में निकालेगा और इक्वेशन में बनेगा, सीधे लिख दीजिएगा कि क्यूबिकल पैराबोला बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूबीएल आता है तो क्यूबिकल पैराबोला बनता है। लेकिन ये सब जानते कैसे हैं, हमने एक बार किया है, हमने सीखा है, तब हमने कंक्लूजन निकाला है। तब तक के लिए अगले, अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो के लिए शर्मा जी को थोड़ा इजाजत दीजिए, समय दीजिए, मिलते हैं, धन्यवाद।